मिल जाएगा आप कोशिश कीजिए कि गेट की जगह आप इस्तेमाल करिए ऑपटे का अब देखिए ये कमाल की चीज है किसी भी चीज को हासिल हासिल कर कर लेना जैसे अरे यार यार मैंने वो पोजीशन लिया यार, मैं तो हाँ मैनेजर बन गया की जगह तो आप हाँ आपको ले जाएगा आप इस शब्द का प्रयोग कीजिए जहां जहां आपको गेट लगाना है इसके बाद आता है कीप कीप का मतलब हम लोग जानते हैं कीप का मतलब होता है रखना कैन यू कीप द मोबाइल क्या तुम मोबाइल रख सकते हो कैन यू कीप माय पर्स क्या ये पर्स मेरा थोड़ी देर के लिए रख लोगे आप कोशिश कीजिए इसकी जगह होल्ड का प्रयोग कीजिए जैसे मुझे टॉयलेट जाना है यार मेरा पर्स पकड़ लो भाई मेरा पर्स रख लो सो कैन यू कैन यू अब मैं पहले क्या कर रहा था कीप कैन यू होल्ड माय पर्स माय पर्स या वॉलेट ये हो गया कैन यू होल्ड तो मेन चीज क्या है होल्ड मैंने इसका प्रयोग किया तो ऐसे इसे आप लगाइए अब इसके बाद दोस्तों आता है टेक टेक का मतलब तो कोई भी चीज ले लेना यार मैंने फ्लैट ले, ले लिया यार मैं पैसे लूंगा टेक मनी यार आइसक्रीम खरीदूंगा या लूंगा अब आप इसे हटाइए इसकी जगह आप प्रयोग करिए टेक की जगह क्या है एक्वायर एक्वायर पाई देखिए बोलने में ही लग रहा है ना जैसे यार मैंने प्रॉपर्टी ले लिया यार वहां पे नोएडा में बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई जो है की जगह। प्रॉपर्टी ऐसे अब आप सोचिए जब आप इस शब्द को किसी के सामने बोलेंगे कितना मजेदार लगेगा तो टेक की जगह का प्रयोग कीजिए। देखेंगे डिस्ट्रॉय।, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों तबाह करना बाह करना किसी चीज को तबाह कर देना बर्बाद कर देना कहते हैं डिस्ट्रॉय हो गया जी इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया इसकी जगह आप बोल सकते हैं दोस्तों रून तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी यू हैव। यू हैव हैव पहले डिस्ट्रॉय बोलते थे आप बोलिए रून माई लाइफ यू हैव रून माई लाइफ ये लीजिए बना लिया एडवांस की तरफ यू हैव रून लाइफ है ना यार तुम ये का, जो है काम तबाह कर दोगे बेकार कर दोगे बर्बाद हट जाओ यहां से यू विल रून द वर्क डोंट डू माई वर्क ऐसे इसके बाद आता है फॉल किसी चीज का गिरना इसकी जगह ड्रॉप का यूज कर सकते हैं क्या होता है ये फॉल का मतलब क्या होता है गिरना गिरना ड्रॉप जैसे एक आदमी बिल्डिंग से गिर रहा था मैन वॉज फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग

डेटमेंट देखिए डिसाइड किसी चीज को डिसाइड कर लेना, लेना पक्का कर लेना फैसला कर लेना चाहते किसी के लिए हेल्प मी कैन देखिए कैन यू हेल्प अगर आप ऐसे बोलेंगे कैन यू हेल्प थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगेगा मतलब अजीब सा क्या लगेगा आप कहेंगे इसमें क्या अजीब है इसमें अजीब सा ही लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल नहीं है बस ये लगेगा और कुछ नहीं लेकिन आप इसे असिस्ट की जगह चेंज कर सकते हैं इसकी इसकी जगह पर असिस्ट लगा सकते हैं है ना तो हेल्प की जगह आप बोल सकते हैं कैन यू असिस्ट मी

एंड एंड का मतलब क्या होता है किसी चीज का अंत होना लेकिन आप इसकी जगह फिनिश का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे माय वर्क इज एंड मेरा वर्क खत्म हो गया माय वर्क इज खत्म कर लिया गया है ऐसे बिग अब बिग की जगह आप क्या आपको बताओ लार्ज यूज कर सकते हैं है ना? अरे यार ये कमरा तो बहुत बड़ा है रूम इज वेरी बिग पहले मैं ऐसे बोलता था ना द रूम इज वेरी अब क्या अब बिग नहीं

छोटी tiny car. Tiny car. कार है झूठ का का मतलब मतलब भी, भी होता है गलत भी होता है दोनों होते हैं झूठ है ना जैसे ये एक झूठी खबर है दिस इज अस न्यूज आप बोल सकते हैं गलत नहीं है बट आप इसे ऐसे इस रॉन्ग न्यूज या गलत खबर है फास्ट जिसका मतलब होता है तेज आप इसे रैपिड बोल सकते हैं रैपिड अरे यार ये तो बाइक बड़ी फास्ट है द द बाइक बाइक इज इज वेरी फास्ट की जगह रैपिड रैपिड ले भाई कितनी बढ़िया चीज है तो तेज अब मुझे फास्ट बोलना हो तो मैं रैपिड बोल सकता हूं इसके बाद आता है कूल cool, जिसका मतलब होता है ठंडा कूल cool का मतलब क्या होता है ठंडा लेकिन मैं चाहूं तो इसे हल्का सा एडिट करके बोल सकता हूं फ्रास्ट्री फ्रास्ट्री चिल्ड भी बोल सकते हैं आपने देखा होगा चिल्ड बोलते हैं लोग तो ये इनफॉर्मल फॉर्मल का फर्क आता है थोड़ा सा फ्रास्टी बोल सकते हैं लास्ट में आता है क्वाइट चुप शांत जैसे कीप क्वाइट क्वाइट चुप बैठ जाओ आई एम मैं तो बिल्कुल शांत हूं आप इसे चेंज कर सकते हैं साइलेंट में साइलेंट एक फॉर्मल वर्ड है और ये कई जगह यूज होता है और इनमें बहुत कई ज़िए, बहुत जगह लोगों का यह मानना है कि एडवांस एडवांस है, बहुत लोगों का मानना है ये है, लेकिन मेरी राय में आप इन दोनों को ही प्रयोग कर सकते हैं आप पूरी चार्ट को देखिए इसमें से अगर आधे वर्ड्स भी आप अपनी लाइफ में आज से ही चेंज कर डालें यकीन मानिए काफी हद तक आपकी इंग्लिश पर फर्क पड़ जाएगा आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है दोस्तों देखिए यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप कोशिश कीजिएगा इन्हें एडवांस इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा प्लीज कि आप इन्हें जैसे लिखे आसान तरीके से ना बनाएं जरा एडवांस तरीके से आप कैसे बनाना चाहेंगे पसंद करेंगे जरूर बनाइएगा दोस्तों मैं इंतजार करूंगा कॉमेंट सेक्शन में आपका आपके आंसर का और आपके आंसर का हर्ट जरूर दूंगा और दोस्तों आप मेरी किताब खरीद सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से और मेरा ग्रामर वाला एप्लीकेशन भी है और दोस्तों बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आ, जो हाँ इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए मेरी वीडियोस पर 20 20 मिलियन व्यूज फेसबुक पेजेस पर आ रहे हैं ये कमाल की बात है एजुकेशनल कंटेंट को इतने सारे व्यूज मिलना क्योंकि अब तक लोगों को लगता था बस वो नाच गाने वाली वीडियोस टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोस ज्यादा पॉपुलर होती हैं नाच गाने से मतलब वो बेकार वाले नाच गाने नाच गाने अच्छे भी होते हैं कुछ जो कला के माध्यम से देखे जाए तो तो भाई वो वीडियो में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है युवाओं का लेकिन इस बीच ये अच्छी खबर है कि एजुकेशनल कंटेंट भी बच्चे देख रहे हैं 20 बीस मिलियन तक व्यूज जा रहे हैं तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सब लोगों का ऐसे ही प्यार बनाए रखिए वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना